सुजानपुर टीरा में लगभग 50 गाड़ियों की आज पासिंग की गई, जिसमें दो पहिया वाहन के साथ साथ चार पहिया वाहन और लोगों के दर्जनों लाइसेंस बनाए गए। एसडीएम सुजानपुर शिवदेव सिंह ने बताया कि लाइसेंस बनाने हेतु आने वाले युवा तैयारी के साथ लाइसेंस बनवाने आए हुए थे और लाइसेंस बनाने के नियमों की उन्हें पूरी जानकारी थी। कोई लगभग 40-50 के आसपास गाड़ियां हैं और उनमें से ज़्यादा तो प्राइवेट व्हीकल हैं जो लोगों ने रीन्यू कराने 5 साल के लिए, और कमर्शियल व्हीकल हैं और बसेस तो आज आई हैं, एक स्कूल बस है बस और एक प्राइवेट बस। सर कितने लाइसेंस जो है विभाग द्वारा बनाए गए हैं लगभग? आज 40-45 के करीब थे LMB के और कार के मतलब, और टू व्हीलर के लाइसेंस थे 50 से ऊपर ही, और बाकी आज हैवी का ट्रायल हुआ है क्योंकि बस अवेलेबल नहीं, स्कूल बस के बिना होते नहीं, तो हैवी का तो नहीं आज कोई। जो हैवी के बसेस के बारे में, बसेस में ऐसा है कि बसेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम चेक कर रहे हैं कि हैंड ब्रेक्स उनकी पूरी एफिशिएंट हो, उनकी एफिशिएंसी पूरी, और बाकी जो बड़ी पुरानी मॉडल्स की गाड़ियाँ हैं वो जैसे स्कूल बसेस में 15 साल के बाद नहीं कर रहे, या जो भी जो बसेस हमें लग रहा है कि अब ये मतलब 15 साल 20 साल से ऊपर हो गई हैं उनको अब हम पास भी नहीं कर रहे, उनको तो हम साफ मना करते रहे कि या तो इनको सेल आउट करके नेक्स्ट टाइम नई बस ले लें, तो उनको तो क्योंकि वो मैकेनिकली भी फिर वो फिट नहीं होती हैं और उनको फिर बाद में दिक्कत आती है जो पासिंग के टाइम, तो हम भी उनको प्रेफर यही कर रहे हैं कि उनको सेल आउट करके नई बस ले लो। शिमला में डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट सर के साथ तो वहाँ पर भी हमें यही बोला गया कि जैसे अब जो हैवी के जो लाइसेंस बन रहे हैं या जो उनको काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब उनमें काफ़ी अगर उनको जो भी लाइसेंस बनेंगे हैवी के उनमें मतलब कि काफ़ी लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिया जाएगा, वो उसमें कोई वो मतलब थोड़ा सा भी अगर उसमें कोई कमी होगी तो उनको नहीं पास किया जाएगा।